Hey, good morning, gentlemen. Good morning, guys. गुड मॉर्निंग. हाउ इज लाइफ? रिवाइज किया अभी तक जो हमने 2-3 दिन में किया है, क्योंकि काफी कुछ हम कर चुके हैं. साउथ अमेरिका में कुछ बचता नहीं है, सिर्फ रिवर्स बचती हैं, कुछ प्लेट्यूज बचते हैं, मतलब पठार बचते हैं, कुछ नदियां बचती हैं. और साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा नदियां हैं नहीं. हमें अमेजोन की बात करनी है, मैगडलना की बात करनी है ना. छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी नहीं है, मतलब बहुत कम नदियां हैं, बहुत ज्यादा नहीं है जिनकी हमें बात करनी है. तो बहुत टॉपिक बचा नहीं है, ठीक है. तो आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन जो है वही एक की है, वहीं से सिलेक्शन होता है. जब भी आप पेपर देने जाते हैं ना, ऑब्जेक्टिव जब भी होते हैं ना, बहुविकल्पी प्रश्न जिसको आप बोलते हो. आप देखो, जब आप 12th का एग्जाम देते हो है ना, या 10th का देते हो, 90% से ज्यादा, 95%, अब तो ऐसा हो गया है कि 99% और 100% भी लोग पास हो जाते हैं. क्यों पास हो जाते हैं? क्योंकि आपको लिखना पड़ता है. बट दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, उसमें भी लोग फेल हो जाते हैं. क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए होती है, क्लैरिटी चाहिए होती है. आप कंफ्यूज हो जाओगे, 4 ऑप्शंस देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो आपको उस लेवल तक पढ़ना है ताकि वो कंफ्यूजन ना आए आपको, ठीक है. तो हमने ज्योग्राफी जो हमने स्टार्ट कर ली थी, काफी 3-4 लेक्चर हमने ले लिए हैं इस पे, और बहुत कुछ कवर कर लिया है हमने साउथ अमेरिका, ठीक है. अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो सब पूरा हो जाएगा. मुझे कुछ मैसेज आए हैं, आई थिंक शायद उनका नाम माधवी है. माधवी, आपका जो क्वेश्चन है कि हम कैसे बताएं, ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो ग्रासलैंड हमने बताए थे, ठीक है, तो ये जो ग्रासलैंड्स हैं, ये वाले जो, जैसे फॉर एग्जांपल वेनेजुएला था, वेनेजुएला में ग्रासलैंड सारा, ठीक है, तो वो कैसे हम पता करेंगे वो टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है ना, हमें कैसे पता लगेगा? बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका. इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि आपको ट्रॉपिक्स नहीं पता, ट्रॉपिक्स होते क्या? जो रेखाएं हैं ना, ठीक है, आभासीय रेखाएं जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है. थोड़ा हिंदी में ध्यान देखना गाइस, क्योंकि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि देखो, इंग्लिश और हिंदी में बहुत फर्क है, ठीक है. हिंदी में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ. अमेजोन नदी है, ठीक है, दैट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बड़ी, मतलब उसका जो बेसिन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसको लार्जेस्ट बोलते हैं. नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और हम अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे, क्योंकि मुझे बड़ा और लंबा मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आता, मतलब एक ही जैसे लगते हैं उनको. समझ आया? तो चीजों में क्लैरिटी लाना, कि अगर आप इंग्लिश में देखोगे, ऑब्वियसली बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, और हिंदी कई बार इतनी टफ हो जाती है कि आप समझ ही नहीं पाते क्या लिखना, मतलब बोलना क्या चाहता है. हम आम बोलचाल की भाषा में अगर हिंदी देखें तो हिंदी ठीक है, अगर उस भाषा में अगर कोई किताब लिखी जाती है वो समझ आती है, बट बहुत डिफिकल्ट कर दिया है. समझ रहा है? ठीक है. मैं आपको भी, माधवी आपके लिए और बाकी, आई थिंक बहुत लोगों को ये शायद कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं या जहां हम चल रहे हैं, मेरी ये सोच है कि शायद इतना तो आपको आता होगा, स्कूल्स में इतना तो कराते ही हैं यार, ठीक है. बट देन मुझे पता लगा कि नहीं जी, स्कूल में क्या करते हैं, किताब उठाओ पढ़ो, आप पहली लाइन से शुरू हो जाओ और यहाँ अगला पैराग्राफ खत्म होगा, अगला पैराग्राफ उठेगा तो फॉर एग्जाम्पल राजीव उठ के पढ़ेगा, टीचर्स कुछ समझाते नहीं, ठीक है. तो वो एक चैलेंज है, तो उसके लिए फिर मैंने देखा कि हाँ शायद हो सकता है. तो ये मैं अभी क्लियर कर दूंगा कि ट्रॉपिकल क्या होता है, टेम्परेट क्या होता है, क्यों बोलते हैं, ठीक है, धरती पे रेखाएं क्यों होती हैं,
ठीक है, मतलब किसी ने लाइन खींची नहीं है, ऐसे मत सोच रहे हैं लाइन खींच दी है, लाइन खींची हुई नहीं है, बट हमने अर्थ को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जब हम फिजिकल का जब हम को स्टार्ट करेंगे ना, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करेंगे, फिजिकल जो होती है भौतिक ज्योग्राफी जो होगी, भौतिक भूगोल होगा, तब हम डिस्कस करेंगे ये सब कुछ, तब हम देखेंगे। ठीक है, बट अभी इसको फटाफट कवर करते हैं गाइस, चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे सीधा। ठीक है, आपको स्लाइड दिख रही है मेरी, आवाज आ रही मेरी बाय द वे, क्योंकि आवाज का बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि कई बार ही ना मेरे पास कॉमेंट्स ही आवाज को लेके आ रहे होते हैं कि सर वॉइस क्लियर क्लियर नहीं है, वॉइस चली गई थी। ठीक है, बट मुझे भी मुझे जो मेरी स्क्रीन पे दिखता है वो दिखता है कि एक व्हाट यू कॉल दैट, एक मीटर टाइप दिखता है जो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो मुझे लग रहा है हाँ वॉइस जा रही है, बट ये आप लोगों को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है तो वो थोड़ा सा मुझे चाहिए होता है। इनफैक्ट हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि लास्ट आई थिंक लास्ट वीडियो में वॉइस बहुत अच्छी थी, तो विल सर्टनली टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, चलो ये आपको देख रहा होगा, वैसे ये गोल गोल क्या है, क्या है ये, अर्थ है। अच्छा, अर्थ से याद आया कि अर्थ की शेप क्या है, मतलब ये क्या शेप है अर्थ की। एक क्लास में मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि भाई भाई बताओ मुझे अर्थ की शेप क्या है, अंडाकार है सर, गोलाकार है सर, गोला है सर, गोला गोला गोला। ठीक है, और एक ने तो क्या बोला था मुझे, हाँ उसने क्या देखा, ये जो सीम, मतलब अगर आप लेदर की बॉल देखोगे ना, लेदर की बॉल पे ना सीम्स सिलाई हुई रहती है ना, ऐसे ऐसे करके सिलाई रहती है, तो शायद क्रिकेट का फैन रहा होगा, कहता सर क्रिकेट बॉल की तरह है वो। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो क्रिकेट की बॉल की तरह, कहता सर देखो ऊपर सिलाई जैसी लग रही है ना, उस पर ऐसी ऐसी लाइन्स रहती हैं, और आप उसको क्रिकेट की बॉल को अगर फाड़ो तो उस पर बहुत सारी लेयर्स निकलती हैं, इस तरह से अर्थ में भी बहुत सारी लेयर होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट बॉल की तरह। ठीक है, ये फिजिकल का एक ऑलमोस्ट एक लेक्चर है, ठीक है, जहाँ पे हम अर्थ की शेप की बात करते हैं, इन लाइन्स की जो आपको दिख रही है ना ये वाली, इन लाइन्स की हम बात करते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन्स जो है रेड कलर लेता हूँ मैं, रेड इज माय फेवरेट वन्स। ठीक है, तो ये जो लाइंस दिख रही है ना ये वाली, ये लाइंस है ना, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। सो अर्थ की शेप क्या है, जो इंग्लिश में हिंदी लिख रहा हूँ, क्या है ये, अच्छा ये बताओ ये क्या है, क्या बोलोगे आप उसको, ट्राइंगल है, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज है, तीन भुजाएं हैं इसकी, ये त्रि त्रिभुज हो गया, ये क्या है भाई साहब, ये कुछ आयत सा लग रहा है, वर्क तो नहीं हुआ शायद, मैंने ऊपर नीचे इसकी भुजाएं कर दी हैं, रेक्टेंगल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसी तरह से अब मुझे एक बात बताओ, क्या अर्थ जो है ऐसी लग रही है, अर्थ ऐसी लग रही है क्या, ये सर्कल हो गया अर्थ, क्योंकि ये आपको ना टू टू डायमेंशन में नहीं है, वन डायमेंशन में आपको दिख रही है, तो ये कुछ ऐसी दिख रहा है, गोला टाइप दिख रहा है, बट अर्थ ऐसी भी नहीं है। ठीक है, अर्थ जो है बिल्कुल बॉल की तरह भी नहीं है कि चारों तरफ से मतलब बिल्कुल ही तराश के बनाई गई हो, ऐसा भी नहीं है, राइट। तो अर्थ की जो शेप है किससे मिलती है, इससे मिलती है नहीं मिलती, इससे मिलती है नहीं मिलती, इससे मिलती नहीं मिलती, वो जो गोला हम फेंकते हैं ना ऐसे, ठीक है, इसको क्या हो गया भाई, जो हम गोला फेंकते हैं, ठीक है, क्या उससे मिलती है इसकी शेप, उससे भी नहीं मिलती, तो फिर मिलती किससे है, तो अर्थ की एक अपनी शेप है, अर्थ की अपनी एक शेप है, जिस तरह त्रिभुज की अपनी एक शेप है,
आयत की अपनी एक पहचान है, आपके सर्कल की, वृत्त की एक अपनी एक पहचान है, इसी तरह से अर्थ की शेप की एक अपनी पहचान है, ठीक है। और हिंदी में और अंग्रेजी में तो एक ही जैसे वर्ड मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं जियोइड या ऑब्लेट स्फेरोइड। हिंदी में एक बार चेक कर लेना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कुछ गुलाब स्फेरॉइड होगा, कुछ गुलाब बोलेंगे, ऑब्लेट को एक बार चेक कर देना हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ की एक अपनी शेप है, अर्थ की एक अपनी शेप है, उसका अपना आकार है, ना वो गोला है, ना वो वृत्त है, ना वो त्रिभुज है, ना वो आयत है, इसकी एक अपनी पहचान है, और वो है जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड, या एक सेकेंड में आपको बता ही देता हूँ क्या बोलते हैं हिंदी में। Give me a minute. ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? आर वी क्लियर टिल हियर? यहां तक समझ आ गया? ठीक है, ओके। अभी बता दूंगा मैं आपको कि जो जियोड को क्या बोलते हैं, इसको मिटा दूं, समझ तो आ ही गया होगा कि अर्थ की अपनी शेप है, तो मिटा देते हैं भाई साहब। चलो जी वेट, अर्थ शेप, इसमें हिंदी के लिए कुछ लिखा ही नहीं है, इतना लिखा हुआ है कि जियोइड आकार की है, अनियमित आकार का दीर्घ वृत्त। एक बार गाइस देख लेना, नहीं तो मैं कल आपको इस बता दूंगा इस बारे में, ठीक है। जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी हम बात कर लेते हैं। इतना ध्यान रखना कि अर्थ की शेप जो है वो जियोइड है या ऑब्लेट स्फेरॉइड है, ये नोट कर लो कहीं पे गाइस, ठीक है जी। अब ये देखो ना, तुम्हें कुछ दिख रहा है, ये नॉर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे भाई यहाँ लिखा हुआ है कुछ, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल, साउथ पोल 90 डिग्री, कुछ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट ध्यान देना गाइस, और मैं चाहता हूँ कि ये वाली क्लास में तुम इतना तो समझ ही जाओ एटलीस्ट कि हम क्या बोलने के जा रहे हैं, ताकि आप ये चीज़ें समझ पाओ, क्योंकि फिजिकल में हम डिटेल में करने वाले हैं। ऑलरेडी 1.5-2 घंटे का लेक्चर है उधर, ठीक है, जब हम फिजिकल में इसको करेंगे, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहता, बट आपको समझाना चाहता हूँ बस, ठीक है। ये रेखा बेसिकली है क्या, तो अर्थ का सेंटर ये है, केंद्र अर्थ का, ठीक है। अब इस अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सतह पे, अर्थ के सरफेस पे, किसी भी पॉइंट पे, अगर उसकी लोकेशन हमें जाननी है कि किधर है वो, तो हम क्या करेंगे, अर्थ के सेंटर से एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बेस लाइन ले लो, नीचे वाली लाइन को बेस लाइन ले लिया, लाइन सीधी नहीं बन रही मेरे से यार, ये
कमेंट आ जाएगा सर, लाइन सीधी नहीं बनाई आपने। वैसे मुझे नोबेल प्राइज मिल चुका है इस लाइन वाइन बनाने में, बट अभी थोड़ा सा ना हाथ सही से काम नहीं कर रहा मेरा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा दिखेगा। तो ये लाइन जो है ना, ये इसको हमने बेस ले लिया एक लाइन। अब जहां पे भी मुझे सतह पे ले जाना है, सरफेस पे ले जाना है, उस जगह से मुझे एंगल खींच लेना है। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज यही वाला एक पॉइंट है, इसको मुझे चेक करना है किधर है। तो आप क्या करोगे, एक लाइन इधर हो गई नीचे वाली, दूसरी लाइन क्योंकि इसी पॉइंट पे आप सीधे आ रहे हो, तो क्या करोगे इन दोनों लाइंस के। अब ये मान लो एक लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट इधर है, तो आप क्या करने वाले हो, इस सेंटर से यहां पे एक लाइन खींचोगे, फिर इसके बीच का एंगल निकालोगे, मान लेते हैं 30 डिग्री है। अगर ये वाला पॉइंट है मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या करोगे आप इस वाले पॉइंट के लिए आप लाइन खींच दोगे, है ना, और वो 20 डिग्री है। फिर आप और नीचे आना चाहते हो, है ना, तो अगर आप यहां आ गए तो इस तरह से करके, इसी तरह से हमने क्या किया, 0 डिग्री, मतलब यहां पे एक पॉइंट है, ये 0 डिग्री है। तो जो 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। मैं आपको बताऊंगा, दो तरह की लाइनें होती हैं अर्थ पे ना, दो तरह की लाइनें हैं, एक तो लेटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो अभी आप इतना याद रखो कि 0 डिग्री लेटिट्यूड को हम इक्वेटर बोलते हैं। काहे को बोलते हैं इक्वेटर 0 डिग्री लेटिट्यूड को, क्योंकि ये पृथ्वी को अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देता है। अगर देखो इधर ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन ये दो भागों में बांट रही है अर्थ को, ये नॉर्थ वाला है, ये साउथ वाला, ये नॉर्थ गोलाब मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये साउथ हेमिस्फेयर। आई होप ये वाला 0 डिग्री कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आया तो मुझे एक बार बता दो, मैं फिर से बता दूंगा। जो ये ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी होगी, एंगल कैसे बनाते हैं आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, किसमें आते हैं, मैथ्स में, ज्योमेट्री में, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं एक बार ये, और एंगल कैसे बनाते हैं, एक लाइन ये है 30 डिग्री एंगल बनाना है, तो मुझे ऐसे इसके ऊपर लाइन खींचनी पड़ेगी, यही 30 डिग्री ऐसे ही बनेगा। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के सेंटर से हम क्या करें, अर्थ के सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक बेस लाइन हमने ऑलरेडी ये वाली ले ली है 0 डिग्री इक्वेटर की, इसके ऊपर हम एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मुझे इस पॉइंट की लाइन ड्रॉ करनी है यहां पे, तो मैं यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये एंगल हो गया, मान लेते हैं 30 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे, 30 इसका लेटिट्यूड है 30 डिग्री, समझ आया। अभी आप अगर अपनी आ, 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 फोन देखो, सबके पास फोन है आजकल, फोन में आप देखोगे ना, हम लोकेशन शेयर करते हैं अपनी अपनी, तो उसमें देखो कुछ नंबर्स आ रहे होते हैं, वहां पे ऐसे नहीं लिखा होता, रामलीला मैदान के सामने, तालाब के बगल में, डाकखाने के पीछे, ऐसे नहीं लिखा होता, वहां पे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। अब लोकेशन चेक करना, जब लोकेशन आप चेक करोगे ना, तो कुछ नंबर्स रहेंगे उधर, ऐसे नहीं लिखा होगा स्टेट बैंक के पीछे, बस स्टैंड के पास, ठीक है, डाकखाने के ऊपर, पानी की टंकी के पास, ऐसे नहीं लिखा रहता, उधर लिखा रहता है नंबर्स, कुछ अजीब से नंबर्स लिखे रहते हैं, नॉर्थ साउथ ऐसे करके, कुछ ऐसे लिखा रहेगा, नॉर्थ लिखा रहेगा 38 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। मारो माइक चलाना, स्पीड हो गया, कह रहे हो पॉइंट, समझ आया यहां तक, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा ये मैंने छुपा दिया था पॉइंट, लैटिट्यूड 30 डिग्री, अरे यहाँ लिखो, मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है, ये समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
टॉपिक्स की हमें बात करनी है, ये हम करेंगे गाइस, वी हैव टू डू इट अगेन, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो चैप्टर है फिजिकल में पूरा है, फिजिकल जब हम ज्योग्राफी करेंगे ना तो ये पूरा चैप्टर मुझे दोबारा कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, टाइम जोन्स कैसे पता करते हैं कि अगर एक सिटी जो है वो 10 डिग्री लैटिट्यूड पे है, दूसरी जो है वो 5 डिग्री लैटिट्यूड पे है, दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना होगा, है ना। हम कहते हैं ना कि जब हमारे यहाँ दिन होता है तो यूएस में रात होती है, क्यों होती है यूएस में रात? ठीक है, रात होती है तो कितना टाइम होगा, है ना। तो घड़ी के अलावा भी घड़ी जो होती है, घड़ी तो आप मिला ही लेते हो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितने लैटिट्यूड का डिफरेंस है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मुझे जो आपको बताना है वो बताना है, वो देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये एक लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है। अभी आप इतना समझ के चलो कि सिर्फ इस एरिया के अंदर सूरज जो है, सूरज अब मतलब यहीं कहीं इसी एरिया में रहते हैं। रहने का मतलब ये है कि इसी एरिया के अंदर सूरज जो है आपके सर के ऊपर चमकते हैं, मतलब यहाँ पे साल में कोई ऐसा दिन आएगा जहां पे सूरज ठीक सर के ऊपर होगा। ठीक है, जैसे ये लाइट जो है ना सूरज की, सन रेज है, वो डायरेक्टली सीधी सीधी पड़ेगी इस एरिया पे, और बाकी यहाँ पे तिरछी जा रही है, इधर भी तिरछी जा रही है, इधर भी तिरछी जा रही है, इधर तो बहुत ही तिरछी जा रही है। तो आप ये समझो कि ये वाला जो एरिया है ना, इसमें कभी साल में कभी एक बार सूरज सीधा सर के ऊपर चमकता है। सूरज जो है सबसे नजदीक होता है इस एरिया में, साल में कभी कभी ना कभी रहता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट रहती है इस एरिया में। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके मुंबई में, ठीक है, बैंगलोर में, चेन्नई में, ठीक है, यहाँ पे सर्दी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है ये। तो अगर किसी साउथ इंडियन को बोलो ना कि भाई साहब आप ऊपर आ जाओ, जो चेन्नई से आते हैं, ठीक है, वो दिल्ली की सर्दी नहीं सहन कर सकते, वो कभी इतनी सर्दी उन्होंने देखी नहीं है लाइफ में। और सर्दी क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, जो कर्क रेखा है आपकी, कर्क रेखा से नीचे हैं वो लोग, मतलब वो इसी बेल्ट में फॉल करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके नीचे फॉल करते हैं वो, ठीक है, नीचे हैं, मतलब यहाँ पे सूरज जो है वो कभी ना कभी अपनी डायरेक्ट रेज डालता रहता है। तो जो लिमिट है जहां तक सूरज की मूवमेंट डायरेक्ट रेज की होती है, मतलब सूरज सीधे जो चमकते हैं वो इन दोनों लाइंस के बीच में ही चमकते हैं। ये तुम्हारी मकर रेखा बोलते हैं कैप्रिकॉर्न को, और इसको कर्क रेखा बोलते हैं। इधर नॉर्थ हेमिस्फेयर में जब वो जाएंगे तो ये लिमिट है ये वाली, और साउथ हेमिस्फेयर में अब जाएंगे तो ये लिमिट है। समझ आ गया? ये लिमिट है ट्रॉपिक के। ट्रॉपिक क्या बोलते हो? ट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? यहां तो रेखा बोल दी भाई साहब, मतलब हिंदी में बोल दिया रेखा, रेखा इज लाइन, बट ट्रॉपिक का इधर मतलब क्या है कि यहां तक रोशनी जो है, सूरज की जो रोशनी नहीं बोल सकता, हीट बोल सकते हो, डायरेक्टली इस लाइन के ऊपर जाती नहीं है। कहने का मतलब है यहां पे सीधी कभी सर सूरज की रेस जाएंगी नहीं, सूरज की किरणें कभी जाएंगी नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, इसको बोलते हैं टेम्परेट। सेम दोनों तरफ, ये ट्रॉपिकल हो गया और ये टेम्परेट हो गया। समझ आ गया? तो जो मैंने वहां पे आपको ग्रासलैंड्स कराए थे, अब समझ आ गया टेम्परेट का क्या मतलब है। तो जो मैंने पैम्पास कराया था, मैंने बोला था ये टेम्परेट है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे होती है क्या? उधर सर्दी होती रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि
मुझे ना लानोस है। किधर है ये, किधर है ये? वेनेजुएला में। पढ़ लो भाई सीरियसली, ठीक है? और आपका पैम्पास है, किधर है ये? ये आपका अर्जेंटीना है। ठीक है, नॉर्मल चीजों मतलब बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, बट एक चीज आप समझें, समझाओ मुझे, बहुत छोटी सी जनरल सेंस में बात करना है। ठीक है, बहुत जनरल सेंस में, सूरज अगर इस एरिया में चमक रहे हैं, हीट बहुत है इधर, इधर बहुत सारी हीट है, बहुत हीट है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हीट ज्यादा रहेगी, गर्मी ज्यादा रहेगी, ठीक है? गर्मी से क्या होगा? आपका बाष्पीकरण, एवेपोरेशन ज्यादा होगा। एवेपोरेशन जाने ज्यादा होने से क्या हो सकता है? रेन के चांसेस ज्यादा होंगे, वर्षा के चांसेस ज्यादा होंगे। वर्षा के अगर चांसेस ज्यादा होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? आपकी वनस्पति जो है बहुत बढ़ेगी, वनस्पति बहुत ग्रो करेगी, ठीक है? ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे, बारिश हो रही है, अच्छे अच्छे पेड़ हो जाएंगे ना नीचे तक, ये नीचे तक क्या होगा? सो रोशनी पहुंचेगी नहीं, तो नॉर्मली क्या होता है, बेले मिलेंगी या फिर ऊंचे ऊंचे आपको पेड़ मिलेंगे। अब पेड़, अब क्योंकि पानी इनको बहुत ज्यादा मिल रहा है, रेन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? वन घने होंगे, वन अगर घने होंगे तो आपको क्या लगता है, तेज दौड़ने वाले जानवर जैसे हिरन है ना, जैसे कि आपके चीते टाइगर आपको मिलेंगे इस एरिया में? यहाँ क्या मिलेगा आपको? सांप, एनाकोंडा, वेनाकोंडा, क्रीपर, क्रीपर बोल दो, जो आपके लिजर्ड टाइप होते हैं ना, जो रेंगते हैं जी, वो मिलेंगे। ठीक है, इस जगह, इन एरियाज में और भी क्या होगा? बारिश ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? इन्फेक्शन ज्यादा होगा, इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो डेथ रेट बहुत ज्यादा हो रहा होगा, डेथ रेट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? उतना ही बर्थ रेट ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन की भी प्रॉब्लम रहेगी। अब पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है तो क्या होगा? गरीबी ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजें समझोगे, कॉन्सेप्चुअली समझोगे, रटना नहीं होता है यार, रटोगे तो कांड हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ आ गया, कैप्रिकॉन समझ आ गया, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, मतलब कर्क और मकर के बीच का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक इसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, और इसको शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है मालिक, आगे चले जाए, चैंपियंस यार मेहनत करो, मैं सही बता रहा हूँ, मैं रिवाइज करा देता हूँ अभी फिर भी, फिर भी आपको। ठीक है, हमने पढ़ा था, आप इसका पॉलिटिकल मैप तो रिवाइज कर ही लो गाइस, ये मैं अब खुद मैं ख्याल से 2-3 बार करा चुका हूँ। फ्रेंच गुयाना क्या आप कहाँ है बताओ मुझे, किधर है ये? ये फ्रेंच गुयाना कैपिटल का है, कैरियन क्यों फेमस है? इधर एक प्लेस है कोरो, कोरो, ठीक है, क्यों फेमस है? ये फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, स्टेशन है इधर। ये क्या था? सूरीनाम। कैपिटल क्या थी इसकी? परमाबीबो। ये क्या था? गुयाना। मैंने आपको बताया था ये दोस्त नहीं है, भाई भाई हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। ठीक है, ये क्या था? वी शेप्ड वेनेजुएला बोला था मैंने आपको। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मरकाइबो करके एक जगह है जो क्रूड ऑयल के लिए फेमस है, बताया था मैंने आपको। ये आपका कोलंबिया है, ये दो ओशंस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर अटलांटिक है
और इधर पैसिफिक है। यही साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका के साथ कनेक्ट करता है, कोलंबिया ही। इसकी राजधानी मैंने आपको बताई थी, बोगोटा है। वेनेजुएला है, वैन मैंने बताया था, कार। तो काराकस किसकी राजधानी है? वेनेजुएला की। यहाँ ब्राजील में एक जगह पड़ी है हमने, काराजस। तो काराकस और काराजस को मिक्स मत करना, इकट्ठा मत कर लेना, रायता मत बनाना, दोनों अलग अलग हैं। काराजस जो है, जो यहाँ के यहाँ कहीं पड़ता है, यहाँ पे है, वो आयरन इंडस्ट्रीज के, आयरन ओर के लिए फेमस है, ब्राजील में है वो। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। ये आपका इक्वेडोर है, यही आपका कोटोपैक्सी है, यहीं पे हमने एक और चिमराजो करके हमने पढ़ा था। दीज आर वॉलकैनोज, समझ रहे हो? यहाँ पे इन्हीं का एक आइलैंड था, इक्वाडोर का ही, क्या था? गैलापागोस, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। ये आपका पेरू, पेरू की राजधानी कहाँ थी? लीमा। यहाँ हमने नास्का पढ़ा था। ठीक है, उसके नीचे फिर हमने ये चिली पढ़ा था। यहाँ पे हमने एक प्लेस पढ़ा था अरीका, ड्राइएस्ट प्लेस मैंने बताया था आपको। यहीं पे हमने चिकी का मेटा पढ़ा था, चिकुई का मेटा पढ़ा था ना मैंने। इसमें बोला था यहाँ पे कॉपर ओर्स, कॉपर की बहुत ओर्स है, कॉपर के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने नीचे, यहाँ आके हमने बोला था ये आइलैंड जो है ना, नेवरिनो आइलैंड्स है। यहाँ पे एक सिटी है जिसको बोलते हैं प्यूर्टो विलियम्स, और इसको बोलते हैं कि साउथ ईस्ट, मतलब वर्ल्ड की नीचे सबसे साउथ में जो सिटी है उसको हम पोर्टो विलियम्स बोलते हैं। किधर है ये? नेवरिनो आइलैंड में। नेवरिनो आइलैंड किसका है? चिली का है। ये जो आपको सीन जैसा दिख रहा है, ये केप होर्न बोलते हैं इसको। ये क्या है? ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है। इसकी राजधानी क्या थी? ब्यूनो आयरस, पढ़ा था यहीं पे हमने पढ़ा था, ये वाले एरिया में पैम्पास ग्रासलैंड्स। अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इधर से जा रही है, ये कैप्रिकॉन इधर से जा रही है, इसको मैं मिटा के करता हूँ। तो यहाँ तक समझ आ रहा है गाइस? ये मैं सिर्फ रिवाइज ही करा रहा हूँ और कुछ नहीं करा रहा हूँ, आपने लिखा होगा पहले से। ठीक है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से देखो। कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ना, आपकी मकर रेखा वो कहीं यहाँ से गुजरती है। तो अगर कोई ग्रासलैंड इधर है तो ये कौन सा होगा? ट्रॉपिकल होगा या टेम्परेट होगा? बताओ जल्दी मुझे कौन सा होगा। मकर रेखा से नीचे है ना, कौन सा होगा? ये टेम्परेट होगा। ठीक है, यहाँ हमने पढ़े थे कैटरिंगास, पढ़ा था ना ब्राजील में, सेराडोस, कैटरिंगास, ठीक है। अभी क्या ये कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, तो ये क्या हो गया? ट्रॉपिकल हो गए। ठीक है, ये हमने वेनेजुएला में हमने पढ़ा था, यहाँ पे लानोस, क्या पढ़ा था बताओ? ओरिनोको रिवर कहाँ पड़ी थी हमने? मैंने बताया था लानोस रिवर, लानोस जो ग्रासलैंड है उसके पास में एक रिवर बहती है जिसको हम ओरिनोको रिवर बोलते हैं। किधर पड़ा था? इधर ही पड़ा था भाई साहब, ध्यान रखो भाई प्लीज।
ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ए मुंबई वासी, तुम लोग को आया समझ? अरे तुम्हें ज्यादा समझ आना चाहिए था यार, तुम कैंसर के आसपास बैठे हो। अरे वो वाला कैंसर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ही तो है मुंबई। ठीक है जेंटलमैन, पहाड़ हमने कल कर लिए थे क्योंकि मैंने बहुत ही रश में कराए थे, बट बहुत ज़्यादा थे नहीं। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ की आपने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? एकोनकागुआ, मैंने ये बताया था हाईएस्ट पीक है साउथ अफ्रीका की। किधर है? चिली में। तो अगर मैं पूछूं कि कॉनकागुआ जो है वो सॉरी, चिली की हाईएस्ट पीक क्या है? अगर साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कॉनकागुआ है तो ऑब्वियसली चिली की भी वही होगी, है ना? उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था? एक ओजस डेल सेडो पढ़ा था, ओजस डेल सेलेडो, ये पढ़ा था। उसके ऊपर हमने एक और इधर आके पढ़ा था मिस्ती, पेरू में, ठीक है, मिस्ती पढ़ा था। मिस्ती के ऊपर हमने एक पढ़ा था वास्करन, ठीक है, वास्करन के पास इधर हमने पढ़ा था कोटोपैक्सी, यहाँ पढ़ा था हमने चिमराजो। ठीक है, क्लियर है? ओके, रात को नहीं हो गया आज के लिए? ये रिवाइज ही कराया ना बस, कुछ और नहीं कराया, बस कॉन्सेप्ट ही बताया, कुछ रिवाइज नहीं कराया, कुछ है नहीं है उसका। ठीक है, रिजल्ट पढ़ लेते हैं थोड़े से। ठीक है, यहाँ पे एक डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट उसको मिलते हैं अटकामा डेजर्ट। अटकावा मरुस्थल, ठीक है, ये जो है, ये जो एरिया है, ठीक है, तो ये जो मरुस्थल है इसको बोलते हैं अटकावा। इसी तरह से इधर एक मरुस्थल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पैटागोनिया, ठीक है, पैटागोनिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखो गाइस, ये अटकामा डेजर्ट है, ये पैटागोनिया डेजर्ट है, अटकामा और पैटागोनिया। ठीक है, इस वक्त एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं, दो ये जो डेजर्ट है ना, इनमें दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कैसे डिफरेंस है? मैं दोबारा बता रहा हूँ यार, तो आपको समझ आए यार। ये वाला जो डेजर्ट है ना इधर, कौन सा है? अटकामा डेजर्ट है। और ये आपका पैटागोनिया इधर, ठीक है, जलधारा बहती है यहाँ पे,
जो आपका ड्रामा डिनर है, यहाँ पे एक जलधारा है जिसको हम बोलते हैं हम्बोल। क्या बोलते हैं? हम्बोल। हिंदी अंग्रेजी शब्द बराबर है, हम्बोल डैम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे समुद्री जलधारा है, हम्बोल्ट करंट बोलते हैं, इसको हम कैरिबियन करंट भी बोलते हैं। और एक्चुअली ये कोल्ड करंट है, कोल्ड है। जब फिजिकल में पढ़ेंगे क्या होता है कोल्ड करंट, क्या होता है कोल्ड जलधारा, कोल्ड यानी क्या बोलते हैं शीत शीत जलधारा। फिजिकल में पढ़ेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में, बट इसी शीत जलधारा की वजह से, इसी करंट की वजह से यह थामा का टेंडर जो है वो बना हुआ है। बारिश यहाँ इसलिए नहीं होती क्योंकि इधर पानी ठंडा है। वो कैसे होता है फिजिकल में बहुत डिटेल में तो बताऊंगा, अभी अगर मैं बताऊँगा तो खिचड़ी हो जाएगी। तो अभी सिर्फ ये समझो क्योंकि ये चीज़ ना कई बार याद नहीं रहती। तो आपका जो थामा टेंडर है वो कोल्ड करंट करिबियन करंट है, हम बोल्ड करंट की वजह से। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा मरुस्थल शीत जलधारा की वजह से है, कौन सा मरुस्थल, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट आर विकेस ऑफ कोल्ड करंट, हम बोल्ड करंट बोल देगा वो करिबियन करंट बोल सकता है, कुछ भी बोल। तो आपको क्या बोलना है, अटकामा डेजर्ट जो आपका ये वाला डेजर्ट है कैटेगोरिया वाले, ये इधर क्या है, ये तो कैटेगोरिया वाला डेजर्ट है, ये तो इधर आपका कैटेगोरिया वाला डेजर्ट है, कैटेगोरिया है कैटेगोरिया इधर आया ना कैटेगोरिया डेजर्ट है, और इधर एंडिया हवाएं चलती है ना, बारिश जो होती है एंडीज की वजह से बारिश इस एरिया में नहीं होती। ठीक है, तो क्या कह सकते हो आप, जो पवने हैं जो मानसून पवने हैं इधर बारिश कर सकती है भी, बट इधर नहीं कर रही है, मतलब क्या है वो रेन चल रही है। तो पैटागोनिया डेजर्ट जो है वो रेन शेडो की वजह से बना है, मतलब बारिश इस पर्वत की वजह से एंडीज की वजह से नहीं होती। पैटागोनिया रेन शेडो है और आपका अटाकामा डेजर्ट जो है वो कोल्ड करिबियन की वजह से। आई होप समझ आ रहा है। चलो कल हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आज का आपको टॉपिक समझ आया होगा। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है शायद टॉपिक का ये सब पता होगा आपके पास, हुए तो कल ख़त्म हो जाना चाहिए, आज कल से अपलोड कर दूँगा तो आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे इस मुझे मेरा जो चैनल है वो है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे रविंद्र IAS सर्च करेंगे, आपको ये वाला लोगो देखेगा हो गया। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस। ठीक है, ये सर कुछ क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि अगर हमारे पास रेगुलर कोर्सेस है, यस हमारे पास रेगुलर कोर्सेस है और वो जो रेगुलर कोर्सेज हैं वो एक ऐप करके भी हैं और ऑफलाइन भी हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर वाले लिस्ट पर डाल दिया गया है। तो स्टिल अगर किसी को कोई आपको कन्फ्यूजन है आप मेरे कनेक्ट कर सकते हैं 9 9 5 4 9 9, क्या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप फोन लीजिए आइडिया।
ठीक है गाइस, होप यू वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेहनत करो। अगर आपको क्राउड से अलग हटने का है, लाइन में लगने का है, तो फिर जरूरत नहीं है। जिंदगी और मेहनत लाइन में लगना, एक बार मेहनत करो, पास हो जब क्लाइम करो। Well guys, thank you so much for your time. Yeah, we're going to take that number.